हाय फ्रेंड्स, मैं मीना। मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे पास्ता। बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी है। इस रेसिपी को आप झटपट बनाकर अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मसाला पास्ता बनाने की सामग्री है 1 कप पास्ता, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर, 2 चम्मच मटर, 2 चम्मच शिमला मिर्च, 3 चम्मच तेल, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ बीन्स, 2 चम्मच कॉर्न, 1 चम्मच नमक, 1 पैकेट पास्ता मसाला और पानी। कढ़ाई में हमने 4 कप पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। उबाल आने देते हैं, आंच को तेज रखेंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम नमक डालेंगे। थोड़ा सा नमक हम बचा लेंगे। 1 चम्मच तेल डालेंगे, पास्ता डालेंगे। आंच को मीडियम रखेंगे और पास्ता को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। पास्ता को हमने टोटल 7 मिनट तक मीडियम आंच पर पकाया है और देखिए हमारा पास्ता सॉफ्ट हो गया है। अब कैसे पता चलेगा कि हमारा पास्ता सॉफ्ट हुआ है? एक पास्ता आप खाकर देख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कच्चा है या अच्छे से पक गया है। अब हम गैस को बंद करेंगे और छन्नी में छानकर पानी को अलग कर लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम हो गया है, आंच को धीमी रखेंगे। कटा हुआ प्याज डालेंगे, प्याज को भून लेंगे। अब इसमें हम गाजर डालेंगे, मटर डालेंगे, कॉर्न डालेंगे, बीन्स डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें हम 1 चुटकी नमक डालेंगे ताकि सब्जी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। धीमी आंच पर हम सब्जी को पका लेंगे। सब्जी हमारी अच्छे से पक गई है। अब हम बॉईल किया हुआ पास्ता डालेंगे। मिला लेंगे। 1 पैकेट पास्ता मसाला डालेंगे। मिला लेंगे। अच्छे से हमने मिला लिया है। अब इसमें हम 1 चम्मच पानी डालेंगे, मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, हमारा पास्ता अच्छे से बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद करेंगे और पास्ता को प्लेट में निकाल लेंगे। मसाला पास्ता बनकर तैयार है। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगी। ऐसे ही आप भी बनाइए। बच्चों के टिफिन में दीजिए या नाश्ते के रूप में खाइए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ। धन्यवाद।